फ्रेंड, मेरा नाम मुकेश कुमार। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री। जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हिस्ट्री करवाओ, तो आज की टॉपिक हमारी हिस्ट्री के ऊपर रहेगी। आज का पहला टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके भी 3-4 पार्ट है फ्रेंड, वो आने वाली वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। और फिर मिडाइवल हिस्ट्री, उसके भी 3-4 पार्ट है फ्रेंड, आपको मिलते रहेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड, इसके भी 3-4 पार्ट है, वो आपको आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड आई होप आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड देरी ना करते हुए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में किस किस के सबूत मिलते हैं फ्रेंड? हमारे पहियों के सबूत मिलते हैं, जो गोल पहिए हैं, साइकिल वाहनों में लगाए जाते हैं। जानवरों के सबूत मिलते हैं, और फ्रेंड हमारे एग्रीकल्चर के सबूत मिलते हैं, और फ्रेंड हमारे प्रॉपर्टी वगैरह, इनके सबके सबूत नवपाषाण काल में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये UPPCS मेन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। तो फ्रेंड मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिला था ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर दो शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर तीन नल्ला मल्ला की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर फोर नर्मदा घाटी। उत्तराखंड PCS में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसके सबूत मिले थे हमें, इसके सबूत नर्मदा घाटी पे मिल रहे हैं। और इसकी खोज की गई थी 1982 में, जो हमारे देश में पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिलते हैं, साक्ष्य मध्य प्रदेश में है ये, वहाँ से प्राप्त है फ्रेंड। ये उत्तराखंड PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो की खेती करते थे और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया करते थे। और फिर दूसरे पे गेहूँ, चावल भी है, सेकंड नंबर पे चावल है, तीसरे पे गेहूँ आ जाएगा। पहला जो है जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था अनाज। ओके फ्रेंड UPPCS 1997 में पूछा गया है, 997 में। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, लोथन में नहीं मिले हैं, हड़प्पा में भी नहीं मिले हैं, मेहरगढ़ में हो सकता है कि मिले हैं। मेहरगढ़ में फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मेहरगढ़ में मिले हैं। तो फ्रेंड ये लगभग प्रामाणिक तिथि है इसकी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 सॉरी फ्रेंड, जबकि किले के कुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व की धोलावीरा हड़प्पा कालिंग नगर में समाप्त की गई है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए या फिर दोबारा घुमा फिरा के पूछ ना लें। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो देखनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ओके फ्रेंड मेहरगढ़ ये राइट आंसर हो जाएगा। ये पाकिस्तान की एक सभ्यता है, ये एक्चुअली में थी तो हमारी, लेकिन बाद में पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई है। हड़प्पा के सबूत मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता ही एक्चुअली में हमारी पाकिस्तान में चली गई है। पहले एक था तो सब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड हो गए हैं, तो हड़प्पा वहाँ की रह गई है। तो सबूत मिलते हैं हमारे मेहरगढ़ से। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में किस शिला श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। ये भीमबेटका पड़ता कहाँ पर है फ्रेंड? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से 500 युक्त पुराना है फ्रेंड, इसीलिए भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS में पूछा गया 2008 में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त है, ये 1953 में डेरा पीटरसन ने इसकी खोज की थी फ्रेंड, इसलिए ये उत्तराखंड PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं मानव और कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अंदर है, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। MPPCS में भी पूछा गया है फ्रेंड ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखती है? तो सुमेरियन सभ्यता से नहीं रखती है, सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है फ्रेंड, सैदब सभ्यता भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम आप याद रखना, ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से है। ये फ्रेंड पूछा भी दो पेपरों में गया, UPPCS 1996 और BPCS 1994, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? फ्रेंड एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक तो शहरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नगरीय सभ्यता थी, और गैर जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो इनमें इतना अंतर मिलता है। तो फ्रेंड सिंधु घाटी से मैं और भी कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको, सिंधु घाटी एक तो शहरी सभ्यता थी और इसकी जो सड़कें बनती थी 90 डिग्री समकोण पर काटती थी सड़कें, और ईंटों का इनका जो मकान बनते थे उनके ईंटों का साइज था 4:2:1, ये इनके ईंटों का साइज था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक और बताता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमारी, इसके जो दरवाजे और खिड़की गली के पीछे खुलती थी, जबकि जो लोथल था वो दरवाजे व खिड़की गली के सामने खुलती थी, इतना याद रखना फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत किससे प्राप्त है? मतलब कि सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी उसके निवासियों में मतलब क्या मतलब महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन नंबर है मोहरे, बर्तन, ज्वेर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि, राजस्थान में पूछ रखा है ये फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्तन, जेवर और हथियार ये महत्वपूर्ण हैं, ये निवासियों की सभ्यता में मूल स्रोत थे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो फ्रेंड ये बताना है आपको किससे मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड ये IAS के एग्जाम में पूछा गया 1994 में। तो फ्रेंड घबराने की कोई बात नहीं है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, SSC में भी पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रुप डी के रेल में भी पूछ सकते हैं, तो सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? तो फ्रेंड जब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी में लाल मिट्टी का प्रयोग करते थे, और रंग जो चढ़ाते थे वो लाल ही चढ़ाते थे, ये BPCS 1995 में पूछा गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो फ्रेंड मूर्ति जो पूजा है वो हमारी आर्य पूर्व आर्य से मानी जाती है, पूर्व आर्य से मानी जाती है, ये UPPCS में पूछा गया है फ्रेंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो फ्रेंड ये खोज की गई थी कालीबंगा में। ये कालीबंगा फ्रेंड कहाँ पड़ता है, मैं आपको बता दूँ, राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। लोथल गुजरात के अंदर पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो का कुछ हिस्सा हमारे पास है और कुछ पाकिस्तान के पास पड़ता है। ओके फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड मैं आपको ये मिलान करने पड़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दे रखी है और नदी जिस पर स्थित थे ये शहर वो दे रखी है। तो हड़प्पा किस नदी के ऊपर स्थित था फ्रेंड? हड़प्पा ये था हमारा रावी नदी के तट पे स्थित था और कालीबंगा घग्गर नदी के ऊपर था। लोथल हमारा फ्रेंड किस पे था? लोथल था हमारा भोगबा पे, और रोपड़ हमारा जो कि हमारा पंजाब में पड़ता है सतलज नदी पे था। फ्रेंड आपको ये भी याद रखने पड़ेगी कि ये पड़ते कहाँ थे। तो फ्रेंड ये हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में पड़ता था और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता था, लोथल हमारा गुजरात के अंदर का हिस्सा है और रोपड़ ये हमारा पंजाब के पश्चिमी तट का हिस्सा है। ओके फ्रेंड इतना याद रखना है आपको। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शैदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड थोड़ा ब्लर है तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान का ये भी फ्रेंड इनमें से ये पूछ रखा है कि किसका सुमेल नहीं है, किससे मिलान नहीं करता है। तो फ्रेंड आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में राइट है, लोथल है गुजरात में पड़ता है आपको मैंने बताया, कालीबंगा फ्रेंड ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। ओके फ्रेंड और रोपड़ तो पंजाब में ही पड़ता है आपको बताया मैंने। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा जो सब स्थान है वो पाकिस्तान में पड़ता है, कालीबंगा हमारा राजस्थान में, रोहतल हमारा गुजरात में, आलमगीरपुर हमारा यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर लोथल स्थित है? तो फ्रेंड आपको बताना है गुजरात के अंदर लोथल स्थित है, UPPCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल पतन नगर कौन सा है? तो फ्रेंड सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन जहाँ पर मतलब शुरुआत ख़त्म लगभग होने जा रही थी, तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा और UPPCS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हमारा लोथल हो जाएगा जो गुजरात का हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? फ्रेंड कालीबंगा है जो राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में आपको बताया मैं, और लोथल भी हमारा गुजरात का हिस्सा है। तो फ्रेंड ये पाटलिपुत्र है, ये महाजनपद है जो आपको बढ़ाऊँगा, ये आगे की है जो अशोक के समय तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो अशोक ने पाटलिपुत्र में ही अपना उसकी राजधानी थी तो यदि स्थित करवाया था। चलिए फ्रेंड आपको इतनी नॉलेज हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति जी की पूजा करते थे जो कि शिव का रूप हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड आप अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नमस्कार फ्रेंड।